दोस्तों आखिर बार बार ही दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल में कैसी गलती कर रहा है, और दिल्ली कैपिटल्स ने बिल्कुल वैसी गलती आज के मैच में करी, वही गलती बार बार। दिल्ली कैपिटल्स के पास बैट्समैन है बहुत सारे, और बैट्समैन उन्होंने सारे जितने भी है ना फॉरेन प्लेयर सबको बैट्समैन खिलाया, ओवरसीज प्लेयर होते हैं सबको बैट्समैन ही खिलाया, और उनके पास लेकिन ना वो गए बॉलर्स पे सब, जो सबसे बड़ी कमजोरी दिल्ली कैपिटल्स की है उनके पास पेस अटैक। मेरे को समझ नहीं आया, मुकेश कुमार को उन्होंने नहीं खिलाया, मुकेश कुमार की जगह किसी और को खिलाया, किसी नए गेंदबाज को मौका दिया। मुकेश कुमार अभी इंटरनेशनल लेवल तक खेल चुके हैं, उनको एक्सपीरियंस है, तो मुकेश कुमार को खिलाना चाहिए। फिर उसके बाद ईशांत शर्मा ने अच्छी गेंदबाजी करी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो ओवर करे, उसके बाद वो इंजर्ड हो गए, फिर बाहर हो गए फील्ड से, फिर वो नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें दिल्ली कैपिटल्स के पास है कि ईशांत शर्मा में अब मतलब बॉलिंग करते हैं लेकिन वो फिटनेस वो नहीं रही। फिर खलील अहमद भी बहुत पिटाई हुई, उनके पास दिल्ली कैपिटल्स के पास कोई पेस अटैक नहीं है जो पेस अच्छे से कर पाए। आज दिल्ली कैपिटल्स से जो अभिषेक पोरल है ना, उन्होंने आखिरी ओवर में 30 रन बना दिए, जिसकी वजह से दिल्ली कैपिटल्स ने एक अच्छा खासा टोटल बोर्ड पे खड़ा कर दिया, लेकिन ये टोटल भी वो डिफेंड नहीं कर पाए। कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, ये दो उनके पास बेहतरीन स्पिनर है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास पेस पावर बिल्कुल भी नहीं है। मिथल मार्श से उन्होंने बॉलिंग करवाई, मिथल मार्श से अपने 4 ओवर में उन्होंने 50 रन से ज्यादा दे दिए, तो इसलिए ना मिथल मार्श ना है अच्छे गेंदबाज, लेकिन ना वो 2 ओवर डाल दो तो सही है, लेकिन उनके पास 4 कोटे का अगर उनको ओवर करने को मिल जाए तो उसमें ज्यादा उनकी पिटाई हो जाती है, क्योंकि उनके पास ज्यादा पेस नहीं है और लाइन लेंथ से भटकते ही थोड़ा ना उनको अच्छे से रन लग जाते हैं। तो इसी वजह से दिल्ली कैपिटल्स के लिए जो सबसे ज्यादा सरदर्दी की बात रही ना, दिल्ली कैपिटल्स जो सबसे ज्यादा वीकनेस है, जो ऋषभ पंत को समझना चाहिए, ऋषभ पंत के आने के बाद नो डाउट दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के पास पेसर बिल्कुल भी नहीं है। दिल्ली कैपिटल्स को उस पर ध्यान देना चाहिए, दिल्ली कैपिटल्स को ये नहीं करना चाहिए कि आप सारे ओवरसीज बैट्समैन खिला लो, शाई होप को खिला लो, या फिर आप क्या कहते डेविड वार्नर, मिथुन मार्श तो है ही, फिर उसके लेकिन उसके बाद वो अपना एक पेस दो बॉलर को भी आप चांस दे सकते हैं, क्योंकि इनके पास बॉलर बिल्कुल नहीं है। आप इस पे 170 से ऊपर मारने के बाद भी मैच हार गई, और पंजाब ने अच्छी गेंदबाजी तो करी, पंजाब ने बॉलिंग, पंजाब का डिपार्टमेंट बिल्कुल जबरदस्त है बॉलिंग। पंजाब के पास पेस अटैक रबाडा है, अर्शदीप सिंह है, हर्षल पटेल है, सैम करन ने बॉलिंग नहीं की अच्छी से, लेकिन बैटिंग में उन्होंने अच्छे हाथ अजमाए, और 60 से ऊपर सैम करन की इनिंग बेहतरीन इनिंग थी T20 इंटरनेशनल के अगर हम देखेंगे तो, T20 के लिए सैम करन बेहतरीन इनिंग थी, और वो एंड तक ले गए, भले ही मैच नहीं जिता पाए वो, मतलब टीम जीत गई लेकिन वो नहीं जिता पाए, वो आउट हो गए, लेकिन अच्छी उन्होंने बल्लेबाजी की। लिविंगस्टन ने अच्छा फिनिश किया, तो पंजाब ने बहुत बेहतरीन क्रिकेट खेला है, क्योंकि पंजाब के पास ना बैट्समैन भी है और उनके पास रबाडा जैसे बॉलर भी हैं जो कि बैलेंस हो जाता है, लेकिन स्पिनर राहुल चहर हैं लेकिन वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं लगते, लेकिन उनके दिल्ली कैपिटल्स के मुकाबले पंजाब की टीम में जो पेस अटैक है ना, बस इस मैच में यही हुआ, इसलिए वजह से दिल्ली कैपिटल्स सारी एक यही कमी थी कि उनके पास पेस अटैक नहीं है, क्योंकि 170 का भी टारगेट बहुत होता है, आप इसको भी डिफेंड कर सकते हो, लेकिन आपके पास कुलदीप यादव और अक्षर पटेल दो बेहतरीन स्पिनर हैं, और दोनों ने बेहतरीन बॉलिंग करी और रन भी कम दिए, विकेट भी निकाली, लेकिन आप ज़्यादा यूटिलाइज नहीं कर पाए आगे चल के, तो इसी वजह से ना पंजाब किंग मैच जीत गई और सीधे से और एक दो पॉइंट लेके 2 पॉइंट्स टेबल में उन्होंने खाता खोला है। सब अभी एक मैच हुआ है, अभी बहुत सारे मैच बाकी हैं, अभी तो आईपीएल स्टार्ट है, लेकिन स्टार्टिंग में ही ऐसा होता है ना कि एंड में आपको एक दो पॉइंट से भी आप क्वालिफाई कर हुए रह जाते हो, इसी वजह से ये सब चीज़ें समझनी पड़ेगी दिल्ली कैपिटल्स को आगे के मैचेस में। पंजाब किंग्स तो अच्छा खेली है, तो पंजाब किंग्स में बस थोड़ी कमियां हैं, वो आगे चल के वो सुधार लेगी, लेकिन दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत सरदर्दी है, उनको पेस अटैक पे काम करना चाहिए और अच्छे अच्छे बॉलर, फिटनेस वाले बॉलर लाना चाहिए, जब जाके वो इस लीग में आगे तक जाएगी। दोस्तों आपका क्या कहना है कि दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स में कौन सी टीम आपकी फेवरेट है, और इस आईपीएल में कौन सी टीम है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।